भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मून मिशन चंद्रयान 2 की 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी। चांद की सतह पर पहुंचने से महज 2.1 किलोमीटर पहले इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद से इसरो विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन लैंडर विक्रम से संपर्क की उम्मीद वक्त के साथ धूमिल होती जा रही है। लैंडर विक्रम की जिंदगी बचाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पास अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। दरअसल विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिन के बराबर का वक्त गुजारना था। ऐसे में इसरो के पास अब बेहद ही कम वक्त बचा है, जिससे वो विक्रम लैंडर से संपर्क साध सके। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हार्ड लैंडिंग के कारण टेढ़े हुए लैंडर का पता लगा लिया था और इसकी थर्मल इमेज भेजी थी, जिसके बाद इसरो चीफ के सिवन ने इस बात की जानकारी दी थी कि विक्रम लैंडर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अब लगातार वक्त गुजर रहा है और चिंता बढ़ रही है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, विक्रम से संपर्क करना मुश्किल होता जा रहा है, उसकी बैटरी खत्म हो रही है। साथ ही वैज्ञानिकों ने ये भी चिंता जाहिर की है कि विक्रम लैंडर की ऊर्जा में जान फूंकने के लिए उसे बिजली देने वाला कोई नहीं होगा। हर गुजरते वक्त के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने बताया कि विक्रम दूर और अधिक दूर होता दिख रहा है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क की एक टीम विक्रम से संपर्क साधने की लगातार दिन रात कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी विक्रम से संपर्क करने की लगातार कोशिश में जुटा हुआ है, तो वहीं करोड़ों भारतीय भी लगातार इसरो को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आखिरकार कब विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क हो पाएगा। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।